सखी वन स्टॉप सेंटर की ओर से शहर के पश्चिमी फाटक के पास शिव मंदिर के समीप कौशल विकास केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस मनाया गया। इसका शुभारंभ विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर डीपीसीओ पूनम कुमारी ने किया। मौके पर डीपीसीओ पूनम कुमारी ने बताया कि महिलाओं के साथ किसी भी तरीके का शारीरिक, आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है तो महिला सिद्धू कानू स्टेडियम के समीप के सखी वन स्टॉप सेंटर में आ सकती है, न महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। वही काउंसलर सुमेधा कुमारी ने बताया कि 30 नवंबर तक दिवस मनाया जाना है। कार्यक्रम में महिलाओं को उनके हक व कानून के बारे में विस्तार से बताया गया। पच्चीस से 30 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाना है। इसी के अंतर्गत सखी वन स्टॉप सेंटर के सदस्यों के द्वारा आज कौशल विकास केंद्र में इस दिवस को मनाया गया। इसमें महिलाओं को उनके हक के बारे में जानकारी दी गई, उनके कानूनी अधिकारों के बारे में उन्हें बताया गया। कोई भी महिलाएं घर में या घर से बाहर या अपने कार्यस्थल में किसी भी तरह के घरेलू हिंसा, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, किसी भी तरह की प्रताड़ना से पीड़ित हैं तो वो हमारे सखी वन स्टॉप सेंटर में आ सकती है। हमारे यहाँ एक ही छत के नीचे उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। हमारे यहाँ 5 दिन का अस्थायी शेल्टर दिया जाता है। चिकित्सा सुविधा, परामर्श सुविधा, कानूनी सलाह, हर चीज़ उन्हें वहाँ प्राप्त होता है। जब भी महिला किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित होती है तो उन्हें जल्द से जल्द सहायता की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आवश्यकता है कि एक ही स्थान पर उन्हें सारी सुविधाएं मिल जाएं। इसके लिए सखी वन स्टॉप सेंटर 24/7 उनके लिए काम करता है। आप कभी भी हमारे ऑफिस में आइए, हम लोग हर दिन वहाँ पर रहते हैं और आपकी सारी परेशानियों को हम सुनेंगे और आपकी मदद करेंगे।